सबसे पहले कोरोना पैंडमिक उसके बाद हमारे इंडस्ट बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के कुछ चहेते सितारों का लॉस उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस और उसके बाद ये आज फिजा में जो लीकेज हुआ है उसके बारे में तो दो टू थाउजेंड ट्वेंटी इज़ द वर्स्ट ईयर इन हिस्ट्री ऐसा माना जा रहा है कुछ यहाँ पे पिक्चर्स हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं तो काफ़ी बड़ा इंसिडेंस हुआ है यहाँ पे तो काफ़ी लोगों की जान भी गई है अभी तक लगभग दस लोगों की जान जा चुकी है और पाँच हज़ार से ज़्यादा बीमार लोगों का डाटा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है लेकिन ये डाटा और भी बढ़ सकता है आगे भी तो यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स हैं एनिमल्स तक की भी यहाँ पर डेथ हुई है ठीक है एनिमल्स भी यहाँ पर इस स्टैरिंग गैस की लीकेज में आए हैं अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश लोकेट कहाँ पे करता है तो आंध्र प्रदेश एक कोस्टल स्टेट है हमारी जिसमें एक सिटी है विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम को हम विजैक के नाम से भी जानते हैं और इस विज़ैक के आउटस्कर्ट्स में एल पॉलीमर्स नाम की एक इंडस्ट्रीज थी जहाँ पर पॉलीमर्स पॉली गैस पॉली केमिकल का फॉर्मेशन होता था एल पॉलीमर्स की हिस्ट्री के बारे में अगर हम जानते हैं तो 1961 में इसका इनोग्रेशन हुआ था हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से जानी जाती थी ये और उसके बाद इसका मर्ज हो गई थी ये मैकडॉल एंड कंपनी के साथ में उसके बाद साउथ कोरिया बेस्ड एल कैम के साथ इसने रीनेमड करके एल पॉलीमर्स नाम यहाँ पे इसका रखा गया है इस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है पॉलीस्टायरीन हाई इंपैक्ट पॉलीस्टायरीन एक्सपेंडेबल पॉलीस्टायरीन और इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड्स का क्रिएशन या फॉर्मेशन किया जाता है तो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग uh, इंडस्ट्री के लिए या पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए ये इंडस्ट्री काफ़ी यूजफुल थी क्योंकि यहाँ पर पॉलीस्टाइरीन केमिकल का या पॉलीमर का मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि स्टाइरीन क्या होता है स्टाइरीन का अगर आप केमिस्ट्री फील्ड से जुड़े हुए हैं तो फॉमुला में डिस्कस कर देता हूँ इस प्रकार से बेंजीन रिंग में सी एच सी एच टू एक ये प्रकार का पॉलीमर होता है जो कि स्टाइरीन गैस से एन मॉलिक्यूल्स उसके जब सेग्रीगेट uh, होते हैं बनते हैं तो यहाँ पे पॉलिस्टरिन गैस का फॉर्मेशन होता है ठीक है ना तो यहाँ पे काफी फ्लेमेबल लिक्विड है ठीक है ना ज्वलनशील पदार्थ है दैट इज यूज इन द मैनुफेक्चरिंग ऑफ पॉलिस्टेरिन प्लास्टिक फाइबर ग्लास रबर लेटेक्स को फॉर्मेट करने में इसका यूज किया जाता है व्हीकल ऑग्जॉस्ट में भी ये पाई जाती है सिगरेट स्मोक में भी ये पाई जाती है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी कुछ ये स्टेरिन गैस पाई जाती है अब देखिए जब स्टाइरन गैस का एक्सपोजर होता है तो हमारी ह्यूमन बॉडी पे इसका क्या क्या रिजल्ट होता है सबसे पहले तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पूरी तरीके से ये क्या कर देती है इंपैक्ट कर देती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं इरीटेशन्स होने लगता है आइज में इरिटेशन होता है म्यूकस मैम्ब्रेन में और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशूज़ भी हमारे क्रिएट हो जाते हैं कुल मिला हमारी पूरी बॉडी पे सी में सबसे ज़्यादा ये क्या करती है अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करती है हाउ बैड अब देखते हैं कि कितनी बुरी सिचुएशंस इस टाइम करेंटली है विशाखापट्टनम में तो विशाखापट्टनम के जो एसीपी हैं कुमार मीणा उनका कहने का अभी स्टेटमेंट आया है गैस इज़ नॉन इन ठीक है तो वो बता रहे हैं कि गैस जो है वो एक नॉन पॉइजनस स्टेट में है और ये सिर्फ फैटल या खतरनाक कब हो सकती है जब ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या करी जाएगी एक्सपोज करी जाएगी लेकिन इसके कारण हंड्रेड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मैनी चिल्ड्रन वर एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स देखिए इसका कॉन्सिक्वेंस कितना बुरा हो सकता है ये तो हमको कल सुबह ही पता चलेगा अपने न्यूज़पेपर में ठीक है तो अभी के लिए जो ए का वहाँ के विशाखापट्टनम के कमेंट आया है वो क्या आया है कि नॉन पॉइजनस कैसे और सिर्फ कुछ टाइम के लिए या फिर सिर्फ जब ज़्यादा लंबे समय तक ये एटमॉस्फेयर uh, में रहेगी तो ही फैटल हो सकती है अब देखिए लीकेज क्यों हुआ यहां पे देखिए बड़ी बड़ी कंट्रीज़ फ्रांस यूएस इस टाइम करेंटली इन सब सिचुएशन पे नज़र बनाए हुए हैं देखिए कोविड पेंडेमिक में जब पूरी कंट्री लॉकडाउन है तो हाउ दिस लीकेज विल टेक्स प्लेस तो जो इंडस्ट्री है ये वो सिर्फ थर्टी थ्री परसेंट लेबर्स के साथ इस टाइम काम कर रही थी तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इग्नोरेंस हुआ है सेफ्टी को लेकर तो सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ा इग्नोरेंस इंडिया में फैक्ट्रीज में होता रहा है और आज हमको इसका एक नतीजा यहाँ पर और देखने को मिल रहा है तो यहां पे कहा जा रहा है वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं आया है कि, कि किस प्रकार से ये इंसिडेंट हुआ है तो देयर इज नो लीक एस इट है लेकिन अभी बताया जा रहा है कि करंट की सिचुएशन में जो कंटेनर्स हैं, उसमें किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं हो रहा है यानी लीकेज को क्या कर दिया गया है बंद कर दिया गया है तो बहुत बड़ा इशू यहाँ पर क्रिएट हो सकता है आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट इस टाइम क्या कर रही है तो गवर्नमेंट ने सी टीम्स को जो कि पुणे में बेस्ड हैं उनको लगाया है यहाँ पर जिसका फुल फॉर्म है केमिकल, बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टीम अभी नरेंद्र मोदी की ट्वीट में भी आया था कि एन की टीम्स को भी यहाँ पर लगाया गया है जिससे हम सिचुएशंस को वेल एंड प्रॉपर तरीके से मेनटेन कर पाएँ तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारी इस टाइम की जो बेसिक नीड है कि हम भोपाल गैस ट्रेजडी से भी जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट का लीकेज हुआ था उससे भी आज कोई सबक नहीं सीख पाए अगर ये गलती हम दोबारा दोहराते हैं जहाँ पे लाखों जाने गई थी और आज फिर से ये इंसिडेंस हमारे इंडिया में हुआ है कि गैस लीकेज स्टेरिंग गैस का लीकेज हुआ है विशाखापट्टनम में तो गवर्नमेंट को बहुत डेप्थ में जाके इस घटना को एनालाइज़ करना चाहिए और समझना चाहिए कि कहाँ पे चूक हुई है और जिन लोगों की इसमें गलती है उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए तो इस प्रकार के इंसिडेंट्स आगे ना हो गवर्नमेंट को इस बात को भी लेकर ध्यान में चलना चाहिए अभी इस तो बेसिक खबर है इसके ऊपर जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर गॉड ब्लेस यू गाइस बाय